दोस्तों आज के ब्लॉग को हम लोग करने लगते हैं स्टार्ट। और आज आप लोग को एक बेहतरीन कहानी सुनाने वाला हूँ, क्योंकि कल मेरी बीवी ने अपना रो रो के इतना बुरा हाल किया था, रो कर कि मुँह इतना सूजा हुआ है, आंखें भी सूजी हुई है। और वो क्यों रोई है, मेरी आंखें दिखाओ। वो क्यों, तो अभी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल हम लोग नाश्ता कर ले हैं, अलीना का मछली वाला पराठा, और ये खाने के बाद आप लोग सारी कहानी बताता हूँ। बड़े मज़े से आप लोग मेरे ब्लॉग्स इन्जॉय कर रहे हैं और उसको शेयर नहीं कर रहे, आज आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा। आ जाए दोस्तों, आज देख सकते हैं पहली बार जिंदगी में सौदा लेकर आया हूँ में। वो जो है परेशानी हो गई थी, और वो क्या परेशानी हो गई थी दोस्तों, वो ये थी कि यार सौदा कभी लिया नहीं है। एक एक चीज़ का पूछ रहा हूँ, पर बहुत सारी चीज़ें फिर मैंने अनस को लेकर गया और उसने मुझे समझाई, तो फिर मैंने ख़रीदी वो जितने जितने बोल रहे थे। हाँ अब दिख रहा है सही है। तो आज हम लोग बनाने वाले स्पेगेटी, और बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि मैं खाऊंगा तो आप लोग देखेंगे मुझे बड़ा मजा आएगा। तो आज बनाते हैं, और मैं बताता हूँ कि मेरी बेगम क्यों रो रही थी, अभी मुंह सूजा हुआ है, सारी चीज आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों मैं जब घर पे गुस्सा, तो देखो मैं बताया अभी वीडियो क्या देख रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को अपना व्लॉग। इतना मजा आता है ना देखते हुए, तो आप लोग देखते हो आप लोग को भी क्या पता मजा आता हो, या तो अपना व्लॉग देख रहा हूँ मतलब कोई मसले वसले अगर आ रहे हैं तो वो सही करूँ। लेकिन यार LCD में देखने का अपना ही मजा है, मजाक सड़के। वैसे अगर अपन LCD में देखो ना तो बहुत मजा। दोस्तों अभी मैं आप लोग को बताने लगा हूँ, क्या बताने लगा हूँ बताओ। रुक जाओ मैं बताता हूँ। देखो मैं जो है कोई बात छुपाने वाला नहीं हूँ, मैं आप लोग को पहले ही बता दूँ कि अभी जो है इसको मैंने अलीना को दी थी ये शादी पे अपनी मुँह दिखाई के ऊपर रिंग सोने की। भाई कहाँ है, दो ना हाथ में होनी चाहिए, कहाँ है इतनी महंगी देखती हो। वो पता है क्या, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो इसने घुमा दी, या शिफ्टिंग के दौरान घुमा दी, या गायब हो गई, या चोरी हो गई, जो भी हो गया, क्योंकि दराजों के अंदर रखती है ये, पता नहीं कहाँ खुले, सारे दराज खुले हुए होते हैं, ऊपर से अभी शिफ्टिंग नहीं हुई है, तो कल से वो मिल नहीं रही इसको, तो इसने रो रो के इसका जो बुरा हाल आके देखो सुझाई भी अपनी। यार इसमें रोने की कौन सी बात है, हाँ खुद को कुछ हुआ हो या मुझे कुछ हुआ हो तब समझ आता है, कोई ऐसी बात है, चीज़ें आने जाने की चीज़ है, समझ में आया, इन चीज़ों से वो नहीं होती। हाँ लेकिन मैंने दी थी जो है गिफ्ट दिया था, और गिफ्ट घुमाते नहीं है, मैंने बहुत दफ़ा कहा था संभाल के रखना, लेकिन कोई बात नहीं, तो मिल तो जाएगा मुझे पता है। तो खुद क्यों रो रही थी, मैं रो रहा था क्या, एक तो औरतों का मुझे नहीं समझ आता, माँ भी ऐसी करती है मेरी चीज़ें, कोई ना तो मेरी अम्मी घुमा देती है, और क्या बोलते हैं वो चीज़ें मिलती फिर महीने बाद या डेढ़ महीने बाद, कभी कभार मिल जाती कभी कभार मिलती नहीं है, क्योंकि पिछले घर में तो हमारे अक्सर ऐसे ही था, जाम रहते थे वहाँ, बहुत चोरियाँ मेरी वालदा के साथ हुई है, और वो भी दिन रात रोती रहती थी। तो मैंने समझा के अपनी माँ को थक गया कि भाई चीज़ों को खाली ख्याल से रखा करो, ध्यान से रखा करो, हमारी चीज़ें क्यों नहीं घूमती है, क्योंकि हम उसके ध्यान रखते हैं। ऐसे ही अपनी बेगम को ध्यान रखते हैं, कितनी दफ़ा आपके वॉलेट से पैसे गुम हुए बताएं जरा मुझे, फिर मुझे देख रहे थे सही ना आपने निकाले। नहीं वॉलेट की अलग चीज़ है, वॉलेट तो देखो खुला पड़ा हुआ होता है, उसके अंदर कोई इतनी कीमती चीज़ें नहीं पड़ी हुई होती ना, इतने पैसे पड़े हुए होते हैं। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ चीज़ों की कदर किया करो, और कदर किया करो कदर। अब ऐसा है कि हम लोग स्वाद गए हुए थे, तो अलीना मैडम ने गाड़ी के अंदर ही अपना मोबाइल छोड़ दिया था, और ऐसे 10 जगह जहाँ पे मोबाइल रख के भूल जाती है। खाली बताने का मकसद ये है कि अगर चीज़ों का ख्याल रखोगी तो कभी भी नहीं होगी, सही है। अब मैं आपको ऑनलाइन बेचती हो गया, अब बताओ अब रिंग दिला दूँ आपको या नहीं, पहले मिल जाएगी, पहले लो जो बोले दुआ करें मिल जाए, सही है भाई, सबने दुआ करें अल्लाह पाक करें मिल जाए, क्योंकि यार आपसे बोला था आप लोग पिन बनवा के दोगे, पहले वादा करो घुमाओगी नहीं फिर बनवा के दूंगा, वो तो पहनी भी होगी ना, वो तो नहीं घूमेगी। चले दोस्तों अभी जो है मैं बनाने लगा हूँ अलीना से, बनवाने लगा हूँ बल्कि बनाने नहीं लगा कि क्या बना रहे हैं हम लोग आज, स्पेगेटी बना रहे हैं, वो स्पेगेटी खाने के बाद मैंने नहीं, गंदी स्पेगेटी मैं अपनी लाइफ में नहीं खाई, वो स्पेगेटी नहीं थी वो टट्टी थी। वाकई क्योंकि यार इतनी गंदी चीज़ मैंने बनाई थी, मैंने बोला यार वाकई अब मेरी बेगम की जो हाथ की है ना चीज़ें, वो सीन कुछ ऐसा है कि वो मेरे दोस्तों को सबको बहुत पसंद है। अब मेरा एक दोस्त है शादीशुदा जो मेरे से भी पहले जिसकी शादी हुई, आज दो बच्चे भी हैं, लेकिन खुद भी बच्चों जितने मतलब बोलना नहीं चाहिए शादी। वो भी आ रहा है, उसने सारा सामान मुझे खुद ला के दिया, सारी चीज़ें, बोला ऐसा मुझे स्पेगेटी भाभी का बना के, तो मुझे अपने घर पे अपनी बेगम को भी खिलानी है मतलब मेरी भाभी को, और खुद भी खानी है, क्योंकि जब भी मैं बना के लेके जाता हूँ तो वो सारे जो है ना फैन हो जाते हैं, तो सारा सामान ये पड़ा है, ये देखें मुर्गी
स्पैगेटी, ये सारी चीज़ें तो ये अलीना भी बना रही है। और इसकी जो रेसिपी अगर आप लोग को देखनी हो तो आप अलीना के चैनल पर जाके देख सकते हैं। और मैं जो है बस बनने का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे बन जाएगी तो मैं खाऊंगा। जल्दी करें और बनाएं और अपने चैनल से इसका व्लॉग बना ले। सही है दोस्तों, एंजॉय करें अलीना के चैनल के से स्पैगेटी की रेसिपी सारी। सही है, जब तक मैं बैठ के आराम करता हूँ। फाइनली दोस्तों मैं जो है सबर कर करके बेदार हो गया हूँ, और क्या बोलते हैं ना, मेरी आंखें जलने लग गई है, पता नहीं प्याज व्याज काट रही थी और अभी शायद आधी चीज़ें काट ली है यहाँ से ये। तो बस बनने का इंतज़ार है, और जिसने अगर डिटेल में व्लॉग देखना है अलीना का तो वो लिंक मैं डाल दूँगा, जाके देख सकते हैं। और खाने के अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझे क्या बोलते हैं ऑर्डर दे सकता है 1000 रुपये की एक प्लेट। तो दोस्तों किस किस के मुंह के अंदर पानी आ रहा है, मेरे तो बहुत आ रहा है क्योंकि मैं खाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। और शाकिर की तो मेरे को कॉल आके बेदार कर दिया उसने मुझे, तो बस क्या बोलते हैं देखता जा रहा हूँ कब बनेगी। मैं खुद बेदार हो गया, तो जो बंदा है जिसने सुबह से खाना नहीं खाया हुआ वो कितना बेदार हो गया होगा, उसको मैं बुलाने लगा हूँ। 9:05 हो रहे और 5 मिनट उसको कॉल कर दूंगा कि वो आ जाए और स्पैगेटी ले जाए। बाकी मैं पहले चेक करूंगा कैसा टेस्ट है कैसा नहीं है, फिर आप लोग को रिव्यूज़ दूंगा। सो फाइनली दोस्तों बन गई स्पैगेटी, अभी बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं खाऊं पहले तो, चाइनीज़ चीज़ों से इतनी नफरत थी ना, लेकिन कसम खुदा की जो भी चीज़ हो टेस्ट वैसे अगर कोई बनाने वाला हो ना अच्छा, क्योंकि ये बेगम जो है ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त बनाती है। और अभी मैं खा के इसका टेस्ट आप लोग को बताऊँगा कि कैसा है कैसा नहीं है। दिल पे नहीं आता। क्या बात है। एक और बोलना। कुछ नहीं दोस्तों, एक ही चम्मच खाइए, मज़ा आ गया, फुल स्पाइसी तबाही बनी है। शाकिर वे कहाँ है यार, आके ले जा भाई, नहीं तो मैं सारी खा जाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं यार, बहुत मज़ा आ रहा है। एक और दफ़ा खाऊँ, रुको, मैं बहुत क्लास की बनी है यार। कैमरा बंद कर, एक मिनट ना, पहले एक चम्मच दोस्तों को तो दिखा दूँ बेचारे यार, देख लूँगा। एक मिनट मैंने बना लिया। तबाही दोस्तों, तबाही। सो फाइनली दोस्तों मैं खा चुका हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया। अभी जो है शाकिर आ रहा है, उसको देनी है, लेकिन उसको देने से पहले हम लोग यहाँ बिठा के थोड़ा सा उसको खिलाएंगे, बोलेंगे भाई पहले रिव्यूज़ दे अपने कि कैसी बनी है कैसी नहीं बनी, क्योंकि घर जाके वो नहीं दे पाएगा। तो उसका इंतज़ार करते हैं, उसको खिलाते हैं, फिर आगे ब्लॉग को एंड करेंगे। चला जाइए, आ गया भाई जिसने हमारे से स्पैगेटी बनवाई थी, अब इसको देखे देने से पहले टेस्ट कराएंगे लाजमी। हाँ, टेस्ट कराएंगे, उससे पहले नहीं देंगे हम, नहीं ख़राब चीज़ हम नहीं देते। जल्दी आ, फटाफट अंदर बढ़िए। हाँ, पूरे घर शाकिर आ गया भाई, शाकिर को जो है मैं ये पड़ी स्पैगेटी ये खिला दूँ, तो ये देख ले, आया जल्दी। हाँ चल बैठ, अब खा ये, बस इतनी सी, पहले ये खा, घर के लिए तो तेरे को देंगे ना सारी, खा के टेस्ट बताओ कि कैसी बनी है कैसी नहीं बनी। सही है ना, आपके रिव्यूज लेने के लिए बैठे हैं, जब रिव्यूज हो जाएंगे तो हम ब्लॉग पे एंड कर देंगे। नहीं आ रही। साथ साथ उठा ले, कोई मसला नहीं है। चिकन सारी डाल दिए, भरा भर के आएगा चिकन, टेंशन नहीं ले। हाँ भाई कैसी लगी आपको? मजेदार। तो दोस्तों लास्ट में एक चीज़ आप लोग को मैं बताना भूल गया कि एक चैनल का लिंक मैं लगा रहा हूँ, जो आप लोग ने जाके लाजमी सब्सक्राइब करना है, और उस चैनल के ऊपर जो है जाके लाजमी विजिट करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से है वो चैनल, लाजमी जाके आप लोग विजिट करें, उसका मैं थोड़े से क्लिप्स आप लोग को दिखा भी देता हूँ। तो भाई इसने खाली, अब जो है ये इसका हो गया पूरा काम, अभी ये जो है मुझे क्या बोलते हैं ट्रीट देगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैंने बनवा के तो चले इस व्लॉग को अब लोग हम लोग यहीं के पे करने लगे एंड, और आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर किसी ना किसी नई चीज़ के साथ। तो दुआ में याद रखना और अपना बोलवा से रखना। बिरयानी, ओके अम्मी की बिरयानी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।